हाय दोस्तों, मैं अमित कुमार एक बार फिर से जी मैथ क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे पादप हार्मोन, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही कठिन होता है। मतलब पादप हार्मोन को याद करना और एग्ज़ाम में बहुत बार देखने को भी मिलता है, इसलिए आज हम कुछ ट्रिक के माध्यम से इसको समझेंगे और याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसमें ज़्यादा नहीं, 6 तरह के पादप हार्मोन को मैं यहाँ पे लिया हूँ और यही इम्पोर्टेंट है। इन्हीं 6 टाइप्स के हार्मोन को बार बार एग्ज़ाम में रिपीट किया जाता है अधिकतर बार। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, इसको देखते हैं कैसे याद करना है। देखिए, इसमें जो आप देख रहे हैं पहला नंबर में है ऑक्सिन। तो ऑक्सिन खरपतवार को नष्ट करना और पत्तियों के विलगन को रोकना। ठीक है, तो इसको याद कैसे करेंगे, तो इसको याद करने का ट्रिक है ऑक्सिन में। देखिए, आप ऑक्सिन में आता है आपका ऑक्स, ठीक है, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ऑक्सिन का स्पेलिंग भी देखिए इस तरह का होता है, कभी कभी आपका ऑप्शन में इस तरह से दिया हुआ रहेगा इंग्लिश में वर्ड ऑक्सिन। ठीक है, तो जब इस तरह से रहे कि ऑक्सिन जब भी आए कि ये किस काम का है, ये पादप हार्मोन, तो ऑक्सिन देखिए इसका काम ये है, ये खरपतवार को नष्ट करता है। तो ऑक्स क्या करता है, ऑक्स जो है यानी बैल क्या करेगा, वो खरपतवार को खा जाएगा। ठीक है, यानी नष्ट कर दिया। अब खरपतवार जब नष्ट हो जाएगा तो पत्तियों का विलगन भी रुक जाएगा। पत्तियों का विलगन मतलब पत्तियों का झड़ना, क्योंकि खरपतवार जो है वो पौधे को जो मिलने वाले पोषक तत्व है उसे वो खरपतवार खुद यूज कर लेते हैं। तो जब खरपतवार उसको यूज कर लेते हैं तो पत्तियां कमज़ोर हो जाती है, मतलब पौधे कमज़ोर हो जाते हैं, इसलिए पत्तियों का विलगन शुरू हो जाता है। तो जब खरपतवार नष्ट कर देगा, कौन नष्ट करेगा, तो ऑक्सिन यानी ऑक्स से ऑक्सिन। ठीक है, तो ऑक्सिन खरपतवार को नष्ट करने का काम करता है और पत्तियों के विलगन को रोकता है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब अगला जो है जिब्रेलिन। ठीक है, तो जिब्रेलिन में जिब्रेलिन का काम पहले पढ़ लेते हैं इसको एक बार। इसका काम है कि बौने पौधे को लंबा करना और फूल बनने में मदद करना। ठीक है, तो अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो जिब्रेलिन में आपका, देखिए जिब्रेलिन का मैं स्पेलिंग यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, पहले GIBB, ठीक है, RELIN, RELIN। तो देखिए इसमें एक चीज़ पे गौर कीजिएगा, ये जो है आपका रेल। ठीक है, तो रेल क्या होता है, रेल लंबा होता है। रेल जब भी आप लोग देखे होंगे, रेल में तो बहुत सफ़र किए होंगे, तो रेल लंबा होता है। तो जब रेल लंबा होता है तो यहाँ पे देखिए बौने पौधे को लंबा करना, यानी लंबा से रिलेट कर लीजिए, क्या करता है, बौने पौधे को लंबा करता है। और जब बौना पौधा लंबा होगा तो उसमें फूल खिलेगा ही। ठीक, पौधा जब लंबा होगा तो फूल खिलेगा ना, तो इसलिए जिब्रेलिन जो है वो बौने पौधे को लंबा करता है। रेलिन मतलब रेल। ठीक है, जिब्रेलिन में रेल आता है, तो रेल जो है लंबा होता है और बौने पौधे को ये लंबा करने का काम करता है जिब्रेलिन। ठीक है, और जब वो पौधा लंबा होगा तो फूल भी बनेगा, इसलिए फूल बनने में भी मदद करता है। अब देखिए तीसरा नंबर का जो हार्मोन है वो है एब्सिसिक एसिड। ठीक है, तो एब्सिसिक से इसका पहले तो काम जान लीजिए कि ये क्या करता है। एब्सिसिक एसिड जो है आपका, ये बीजों को सुसुप्त अवस्था में रखता है। ठीक है, तो अब और पुष्पन में ये बाधक भी है। तो एब्सिसिक का काम है बीजों को सुसुप्त अवस्था में रखना और पुष्पन में बाधक। तो अब इसमें देखिए सिसिक से शब्द को पकड़िए, यहाँ जो है सिसिक, ये सिसिक से सुसुप्त, सिसिक सुसुप्त, इसमें भी स आ रहा, इसमें भी स आ रहा। ठीक है, तो एब्सिसिक जो है वो सुसुप्त अवस्था में रखता है बीजों को। ठीक है, और पुष्पन में भी बाधक है। जब बीज सुसुप्त मतलब सुस्त समझिए, ठीक, एक तो लाइन आप याद रखिएगा तो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो सुस्त रहेगा जब बीज, तो पुष्प कहाँ से खिलेगा, यानी बाधक होगा पुष्पन में। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं, अगला है आपका साइटोकाइनिन। देखिए साइटोकाइनिन जो है ये हार्मोन क्या करता है, कोशिका विभाजन में सहायक होता है। ठीक है, और पौधों के विकास में मदद करता है। तो यहाँ पे देखिए
पौधों के विकास में मदद करता है। तो कोशिका विभाजन में सहायक कौन होता है? साइटोकाइनिन। ठीक है, काइनिन से काटना समझ लीजिए आप लोग। ठीक, तो इसका कोई खास ट्रिक नहीं है, ठीक ना। साइटोकाइनिन जो है वो कोशिका विभाजन में सहायक होता है और पौधे के विकास में मदद करता है। कोशिका का जब विभाजन होगा तो पौधे का विकास होना ही है। ठीक है, और पांचवा नंबर का है एथिलीन। एथिलीन जो है प्राकृतिक रूप से आपको फलों को पकाता है। ठीक है, और एसीटिलीन जो है, एथिलीन और एसीटिलीन, देखिए नाम में दोनों में लास्ट में लीन आ रहा है। ठीक है, तो जो लीन आ रहा है, तो ये सब दोनों क्या करता है? फलों को पकाता है, और फलों को पकाने का काम तो करता है, लेकिन दोनों का थोड़ा एक एक होता है। जो इथिलीन है वो प्राकृतिक रूप से पकाता है, और एसीटिलीन जो है वो कृत्रिम रूप से पकाता है। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और खुद से भी याद कर सकते हैं। और मुख्य बात यह है कि ये एक मैं ट्रिक के माध्यम से समझाने की कोशिश किया, लेकिन आप लोग खुद इससे अच्छा ट्रिक बना सकते हैं अगर कोशिश कीजिएगा तो। बस याद रखने का एक तरीका है। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।